नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। हेमा मालिनी एक बार फिर से बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं और एक बार फिर से सनी देओल को लेकर कुछ ज्यादा ही खबरें अब वायरल होने लगी हैं। दरअसल हेमा मालिनी जो है, ऐसा लग रहा है कि सनी देओल को जीत का आशीर्वाद दे रही है। जी हाँ, यूँ तो सनी देओल का नाम वो नहीं लेती हैं अपने प्रचार में, ये बात हम आपको पहले ही क्लियर कर दें, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बीते दिनों बयान दिए थे और साथ ही साथ जिस तरीके से अब हेमा मालिनी प्रचार करती हुई नजर आई हैं, तो वहीं ऐसा लग रहा है कि भाई हेमा मालिनी जो हैं बीजेपी का तो प्रचार कर ही रही हैं, इसके अलावा सनी देओल को जो कि गुरदासपुर से अब चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी जीत भी निश्चय कर रही हैं। अब अपनी एक बेहद खास रिपोर्ट के जरिए आपको हम बताते हैं कि हाल ही में किस तरीके से रैली को एक संबोधित किया उन्होंने। पब्लिक मीटिंग में अपने बीजेपी नेता के खेमे में वोट डालने के लिए उन्होंने अपील की, साथ ही क्या कुछ वायरल रहा, डाली नजर इस रिपोर्ट पर। भाजपा नेता हेमा मालिनी ने शुक्रवार को केसरिया और रामगढ़वा में चुनाव सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एनडीए प्रत्याशियों के लिए लोगों से वोट मांगने की अपील की और साथ ही साथ केसरिया में उन्होंने कहा कि आज देश में एक व्यक्ति लोगों के सपनों को पूरा करने और भविष्य को बदलने के लिए आगे बढ़कर काम कर रहा है, तो वही कुछ लोग गठबंधन बनाकर गिराने के लिए एकजुट हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति पर बढ़ रहा है। हाईस्कूल मैदान में आयोजित सभा में उन्होंने लोगों से एनडीए प्रत्याशी राधा मोहन सिंह को जिताकर देश में एक बार फिर से कमल खिलाने का आग्रह किया। आपको बता दें कि कहा कि देश की सुरक्षा में सेना को पीएम का साथ और सम्मान दोनों मिला है, देश में एनडीए की हवा चल रही है। राधा मोहन सिंह ने महागठबंधन के प्रत्याशी पर निशाना साधते हुए कहा कि बहुत सारे नेता अपने परिवार के लोगों को राजनीतिक उत्तराधिकारी बना रहे हैं, लेकिन मेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी मेरा बेटा नहीं, चंपारण के कार्यकर्ता होंगे। कार्यक्रम का संचालन अखिलेश कुमार सिंह और अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राजेंद्र गुप्ता ने किया। इस मौके पर कई सारे लोग और भी मौजूद दिखाई दिए। आपको बताना चाहेंगे कि रामगढ़वा में हेमा मालिनी ने कहा कि बिहार में अब सड़कें चकाचक दिख रही हैं और उन्होंने लालू यादव का भी नाम लिए बगैर कहा कि एक समय था जब बिहार की सड़कों को उनके गाल से जोड़ा जाता था, लेकिन उस समय सड़कों की हालत काफी ज्यादा जर्जर थी, अब चारों तरफ चकाचक सड़कें दिखाई दे रही हैं। तो वहीं वो गणेश महावीर उच्च विद्यालय के प्रागण ने एनडीए प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल के पक्ष में आयोजित सभा को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के साथ देश का विकास और विश्व में भारत की एक अलग ही पहचान बनी है। आपको बता दें कि अपना प्रचार जहाँ लगातार ही करती रही है हेमा मालिनी, तो वहीं यहाँ पर भी एक बार फिर हेमा मालिनी ने नाम नहीं लिया सनी देओल का, लेकिन भाई खबरें फिर से बन गई। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से लगातार ही बीजेपी के लिए प्रचार कर रही हैं हेमा मालिनी, जहाँ मथुरा से वो अभी सांसद हैं और लोकसभा चुनाव 2019 में फिर से प्रत्याशी भी हैं बीजेपी की तरफ से मथुरा की, तो वहीं जीत अपनी निश्चय करने की वो कोशिशें तो कर ही रही हैं, लेकिन इसी बीच और नेताओं का भी वो साथ दे रही हैं। तो वहीं आपको बताना चाहेंगे कि हाल ही में गुरदासपुर की सीट से शामिल हुए भारतीय जनता पार्टी में हेमा मालिनी के सौतेले बेटे सनी देओल भी लगातार खबरों में हैं। दरअसल कहा जा रहा है कि अगर हेमा मालिनी और सनी देओल साथ में कोई प्रचार करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा ही बड़ी बात होगी, हालांकि कई तरह की खबरें इनको लेकर आती रहती हैं। इस बार भी हेमा मालिनी ने सनी देओल का नाम अपने पूरे प्रचार में कहीं भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी खबरें इस तरह की वायरल हुई कि हेमा मालिनी ने एक बार फिर से प्रचार किया है सनी देओल के लिए। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि लगातार ही जिस तरीके से हेमा मालिनी प्रचार कर रही हैं, तो वहीं उनके सिर्फ एक ही रणनीति अभी तक समझ आ रही है कि भाई बीजेपी को वो जीत हासिल कराना चाहती हैं। आपको हम ये भी याद दिलाना चाहेंगे कि बीते दिनों हेमा मालिनी का एक बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल रहा था, जिस बयान में हेमा मालिनी ने ये कहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं कि सनी देओल ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और साथ ही साथ वो इस बात से भी खुश हैं कि उन्होंने एक ऐसी पार्टी को चुना है जो कि देश के भविष्य के बारे में सोचती है और हमेशा से ही देश को आगे बढ़ाने में जुटी रहती है।
अपने जाना किस तरीके से सनी देओल और हेमा मालिनी से जुड़ी एक और खबर ने बीते काफी दिनों से ही जो चर्चाएं बटोरी हुई हैं, एक बार फिर से हेमा मालिनी के बयान कुछ इस तरीके से ही सामने आए। कि दोस्तों ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना कर सकें।